हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुगम और मेरे चैनल पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। तो अगेन आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूं जो कि आपके वेस्टेज से बना है, आपके किचन के वेस्टेज से बना है, आपके किचन के कूड़े से बना है। लेकिन यही कूड़ा आपकी बॉडी से कूड़े को निकालेगा, यानी कि आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफाइंग करेगा। जी हाँ, आज मैं एक ऐसी चीज लेके आई हूँ जिसको आप मोस्टली फेंक देते हैं और आपको उसके बेनिफिट्स के बारे में नहीं पता है कि ये इस तरह का भी काम कर सकता है, ये इस तरह से आपकी बॉडी का फैट भी कम कर सकता है, ये इस तरह से बॉडी की चर्बी को पूरी तरह से गला सकता है, ये इस तरह से आपकी स्किन को बहुत अच्छा सा रख सकता है, ये इस तरह से आपके हार्ट को बहुत अच्छे से रख सकता है, आपको कैंसर रोग होने से बचा सकता है। मतलब बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको अगर मैं एक्सप्लेन करने बैठूं तो काफी टाइम निकल जाएगा। लेकिन जी हाँ, ये आपके किचन के कूड़े से बना है, लेकिन यही कूड़ा आपकी बॉडी के कूड़े से निकालेगा। सबसे बड़ी चीज ये है और काफी बेनिफिशियल है आपकी बॉडी के लिए। इसमें बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो कि मैं आगे वीडियो में बताऊंगी कि उसमें ऐसे क्या क्या तत्व हैं जो आपकी बॉडी पे स्पेशली किस जगह काम करेगा। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए और उसके बगल में एक छोटी सी बेल आइकन लगी है उसे प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो फ्रेंड्स, इस रेमेडी के लिए आपको चाहिए यहाँ पे एक पैन में 1 लीटर पानी चढ़ा दीजिए, और जो मैंने ऑलरेडी से चढ़ाया हुआ है और ये गर्म हो रहा है। और फ्रेंड्स, अगर इस रेमेडी को फर्स्ट ऑफ ऑल आप फ्रिज में काफ़ी दिनों तक स्टोर कर सकते हैं। और इसके बाद इसके लिए चाहिए हमें यहाँ पे कम से कम 7 से 8 लेमन्स, और लेमन इन द सेंस कि ये लेमन जो है इसका जूस निकालना है आपको और सिर्फ छिलकों का यूज़ करना है इस रेमेडी में। और मैंने इसके लिए 15 नींबू लिए थे और इसको आपको इस पानी में डाल के बहुत अच्छे से इसे बॉयल करना है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता होगा कि नींबू के जो रस होता है वो वेट लॉस का कितना अच्छा जरिया है, लेकिन इसके छिलके में भी भरपूर मात्रा में गुड़ होते हैं और हम इसे अक्सर बेकार समझकर फेंक देते हैं। और लेकिन इस रेमेडी के बाद और इस रेमेडी को ट्राई करने के बाद यकीन मानिए ये काफ़ी अच्छा जरिया हो जाएगा आपके वेट लॉस के लिए। और अगर इसके गुणों की बात करूं तो ये आपकी हड्डियों को बहुत अच्छे से मजबूत करेगा और साथ ही साथ ये आपके स्ट्रेस को दूर करेगा, टॉक्सिन्स को दूर करेगा, जो भी विषैले पदार्थ उन्हें शरीर से निकालेगा। और भीतर जो हमारे भीतर अल्कोहल और अन्य नुकसानदेह जो खाद्य पदार्थ की लालसा बढ़ाते हैं, नींबू के छिलके अपने खट्टे स्वाद और स्वभाव के कारण इन मिसाले पदार्थ को हमारे शरीर से बाहर निकालते हैं। कैंसर से लड़ने में काफ़ी हद तक ये आपको बहुत अच्छा सा फील कराते हैं, कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम करने में मदद करते हैं और बॉडी से कोलेस्ट्रॉल की अधिक मात्रा जो कि दिल के सेहत के लिए काफ़ी नुकसानदायक होती है, और नींबू के छिलकों में पॉलीफिनॉल कोलेस्ट्रॉल को कम करके आपके शरीर को स्वस्थ रखने में बहुत अच्छे से मदद कर सकता है। ये हार्ट को बहुत अच्छे से हेल्प करता है, साथ ही साथ मुंह की दुर्गंध बहुत दूर करता है और वजन घटाने में मतलब सबसे स्पेशली रोल अदा करता है, क्योंकि इसमें पैक्टिन नाम का एक तत्व पाया जाता है जो कि शरीर में जमा अतिरिक्त चर्बी, जो आपकी बॉडी में एक्सेस फैट जो लटक रहा है चारों तरफ, उसे बहुत अच्छे से दूर भगाने में मदद करता है। आपकी स्किन काफ़ी अच्छी सी रहती है क्योंकि इसमें मौजूद फ्री रेडिकल्स इस प्रक्रिया में काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट और त्वचा को डिटॉक्सीफाई करने में काफ़ी हेल्प करते हैं। तो ये मतलब कॉमन से जो मैंने आपको गिनाए हैं, इसके अलावा इसमें बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो आपको हेल्प करेंगे और कैसे पीना है वो भी मैं आगे बताऊंगी। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इसे 4 से 5 मिनट तक धीमी आंच पर ऐसे ही पकने देना है, चिल्लाना नहीं। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये बनके स्मेल लीजिए रेडी है। आपको इसे बंद कर देना है, ढक देना है, इसे ऐसे ही जस्ट फ्रिज में स्टोर करना है और मॉर्निंग में रोज आपको 1 कप इसे पीना है। मॉर्निंग में 1 कप पीना है और दोपहर के खाने के बाद 1 कप पीना है। इस समय आपको मेटाबॉलिक रेट हाई करना है और इन दोनों ही समय आपका वेट लॉस जो है लॉस करने में और चर्बी को घटाने में बहुत हेल्प मिलेगी। एक बार इस रेमेडी को जरूर ट्राई करिएगा और जैसा भी इसका रिजल्ट हो मेरे साथ जरूर शेयर करिएगा।
का बहुत ही क्विक सी रेसिपी है, और जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जस्ट लाइक कूड़े, जस्ट लाइक नहीं, जस्ट कूड़े की ही इंग्रेडिएंट से बना ये आपके बॉडी फैट को गलाएगा, और बनाना बहुत आसान है। फ्रिज में आसानी से स्टोर कर सकते हैं। वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पसंद आया हो तो फटाफट से सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलती हूँ बहुत ही जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।